हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस के सभी इंपॉर्टेंट सेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली 1857 के रिवोल्ट के बाद कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी, खासकर 1870s और 1880s में। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी वो स्टार्ट तो हुई थी एज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये सब ऑर्गेनाइजेशंस अपने आसपास के लोकल इश्यूज को सुलझाने में ही फंस के रह गई थी और अल्टीमेटली एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही थी। होता क्या था कि आसपास के लोग आ जाते थे छोटी मोटी समस्याओं को लेकर, जैसे आज हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया, आज दूध दिया तो लेकिन कोई और पी गया, ये वो ऐसी समस्याएं लगी रहती थी। तो इन जनरल इन सब ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा मोस्टली रीजनल बन चुका था। तो ये कोई नई बात नहीं है, आज के दौर में भी ऐसा होता है। अब आम आदमी पार्टी को ही देख लो, नेशनल इश्यूज़ की बात करने से शुरू हुई ये पार्टी अब दिल्ली में बिजली और पानी के इश्यूज़ में सिमट के रह गई है। तो जैसे कि हमने देखा कि क्योंकि ये सब ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के स्पेसिफिक पार्ट्स में फंक्शन कर रही थी, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन केवल एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक के बाद एक ऐसे लॉज पास करती जा रही थी जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेशियल और डिक्टेटर एटीट्यूड साफ झलक रहा था और देश में गुस्सा बढ़ रहा था। अब तुरंत जरूरत थी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो किसी एक रीजन की नहीं बल्कि पूरे इंडिया की बात करे और एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनकर अंग्रेजों से उन्हीं की भाषा में लड़े। ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो तीन एक्ट्स जिसकी वजह से इंडिया ने फाइनल ये डिसाइड कर लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनानी ही पड़ेगी, उनका नाम है वर्नाकुलर एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट 1878 और इल्बर्ट बिल 1884। इन तीनों एक्ट्स ने एकदम आग में घी का काम किया और इसके चलते देश के सभी इंटेलेक्चुअल्स ने मिलकर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को एस्टेब्लिश किया। अगर आप वर्नाकुलर एक्ट और इल्बर्ट बिल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो बुक सभा चैनल पर इन दोनों टॉपिक्स पर एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कोई इंडियन नहीं बल्कि एक रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर था जिसका नाम था A.O. Hume। A.O. Hume ने ही सभी इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठा करके इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट कोट है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अ गोल प्रॉपरली सेट इज हाफ वे रीच, यानी अगर आपने अपना गोल ठीक से सेट कर लिया है तो समझो आधा काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमने भी इस वीडियो के लिए अपना गोल सेट किया है 300 लाइक्स का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस टारगेट तक पहुँचने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड सुमन, रमन, अमन और तपन के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए वापस से अपने टॉपिक पर चलते हैं। और क्योंकि कांग्रेस का फाउंडर ही एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन पर सवाल तो उठने ही थे। इसीलिए कांग्रेस क्यों बनी, कैसे बनी, इसको लेकर दो थ्योरीज हैं। पहली है नेशनलिस्ट थ्योरी और दूसरी है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया वो बेसिकली नेशनलिस्ट थ्योरी है, यानी क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो किसी एक रीजन की नहीं बल्कि पूरे इंडिया की बात करे और एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनकर अंग्रेजों से उन्हीं की भाषा में लड़े। और नेशनलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हुए जीके गोखले ने जो कहा वो काफ़ी लॉजिकल है। जीके गोखले, जिनको गांधी जी अपना आइडियोलॉजिकल गुरु मानते थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्रिटिश इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू नहीं करता तो श्योर शॉट अंग्रेज इसे सप्रेस कर देते। इसीलिए नेशनलिस्ट लोगों ने ए ओ ह्यूम की मदद से इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को बनवाया। दूसरी थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये थ्योरी कमाल की है। इससे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सेफ्टी वॉल्व कहते किसे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में एक वॉल्व होता है जिसे हम हिंदी में सीटी बोलते हैं। इसका काम होता है कि जब भी प्रेशर कुकर में स्टीम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ऊपर उठ जाए और कुकर में जो भी एक्स्ट्रा स्टीम है उसे बाहर आने दे। इससे क्या होगा कि कुकर के अंदर का जो प्रेशर है जो बढ़ गया था वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इस एक्स्ट्रा स्टीम को टाइमली रिलीज नहीं किया गया तो क्या होगा, तो कुकर में प्रेशर बढ़ जाएगा और एक पॉइंट पर कुकर फट सकता है। तो कुकर के केस में जब भी प्रेशर बढ़ता है तो सेफ्टी वॉल्व ना सिर्फ प्रेशर रिलीज करता है बल्कि सीटी बजाकर हमें इन्फॉर्म करता है कि कुकर में प्रेशर बढ़ चुका है और हमें उसके बेस पर कुछ एक्शन लेने होते हैं।
लॉर्ड डफरिन जो इंडिया के वाइसरॉय रहे 1884 से 1888 तक, वो चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल उस कुकर की सीटी की तरह काम करे, यानी जब भी ग्रास रूट लेवल पर इंडियंस में गुस्सा बढ़े तो कांग्रेस लीडर्स उनकी बात सुने और उन्हें शांत कर दें, और अगर शांत ना कर पाए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा ज़्यादा ही बढ़ जाए तो उनकी समस्याएं ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएं, और बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ द सिचुएशन समय रहते ब्रिटिशर्स लोगों के गुस्से को शांत करके एक बड़े 1857 टाइप के रिवोल्ट को रोक सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस अपने शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिशर्स से लड़ती रहे और आम जनता को कहीं ना कहीं ये होप बनी रहे, ये उम्मीद रहे कि देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम कर रही है, और लोग इस उम्मीद के साथ अपने रेगुलर कामों में लगे रहें, सोचें कि भाई आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सबसे पहली बार कांग्रेस के लिए इस टर्म का इस्तेमाल लाला लाजपत राय ने 1916 में अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में किया, यानी ऑलमोस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के 30 सालों के बाद। चलो अब स्टार्टिंग से सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखते हैं। दिसंबर 1884 में एओ ह्यूम ने मद्रास में एक प्राइवेट मीटिंग बुलाई जिसमें 17 लोग इनवाइटेड थे। इस मीटिंग में इन सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि चलो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड इंडियंस एक साथ आएँ और ब्रिटिश गवर्नमेंट और इन इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हो जाए। इन लोगों ने सोचा कि चलो अब ये साल तो निकल गया, अब अगले साल दिसंबर के आखिरी तीन दिन यानी कि 1885 के लास्ट के तीन दिन दिसंबर में जितने भी पढ़े लिखे लोग इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं वो सब पुणे में आए, वहाँ मिलकर आगे की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। बट पुणे में कॉलरा यानी कि हैजा फैला हुआ था, तो लास्ट मोमेंट पर ये लोकेशन चेंज करके मुंबई की गई। तो इसीलिए 1885 दिसंबर के आखिरी तीन दिन में कांग्रेस का पहला सेशन ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। एओ ह्यूम ने इसकी परमिशन पहले ही वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन से ले ली गई थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लॉर्ड डफरिन को इन सारी चीज़ों के बारे में सब पहले से पता था। इस कार्यक्रम में टोटल 72 लोग पहुँचे, मोस्टली इसमें लॉयर्स थे और एक भी महिला सदस्य नहीं थी। सबसे पहले एओ ह्यूम ने बताया कि हम सब यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के काम करने के कुछ रूल्स बनाए गए, जैसे हर साल एक कांग्रेस सेशन होगा जो इन जनरल दिसंबर के आखिरी तीन दिन में हुआ करेगा। हर एक सेशन के स्टार्ट में डेलीगेट्स वोटिंग के बेस पर उस पर्टिकुलर सेशन का प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, और हर सेशन में नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज पर ही डिस्कशन होगा, और एंड में डिस्कशन के बेसिस पर कुछ रेजोल्यूशन पास होंगे, यानी डिस्कस किए हुए इश्यूज पर कांग्रेस क्या करने वाली है ये डिसाइड होगा, और नेक्स्ट सेशन यानी अगले एक साल तक कांग्रेस उस रेजोल्यूशन पर काम करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करेगी और अपनी डिमांड्स मनवाने की कोशिश करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात मनवाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने PPP मॉडल को चूज किया, मतलब प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने PPP मॉडल को चूज इसलिए किया क्योंकि ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा था कि ये उनकी मदद ज़रूर करेंगे, तो खून खराबे की जरूरत ही नहीं है, बातचीत से मामला सुलझ ही जाएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ इसमें WC बनर्जी दैट इज वोमेश चंद बनर्जी को प्रेसिडेंट चुना गया। वोमेश चंद बनर्जी उस समय के बहुत ही फेमस लॉयर थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि हर सेशन के बाद कुछ रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करके मनवाने की कोशिश की जाएगी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट सेशन के बाद 9 रेजोल्यूशंस पास किए। इनमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला था मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए। इंडियन नेशनलिस्ट को लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारा एक्सपेंडिचर कर रही है मिलिट्री पर, इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है और इससे देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है। दूसरा रेजोल्यूशन था सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो सिर्फ लंदन में होता था उस टाइम पर, उसे इंडिया में भी करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ से हर इंडियंस जो सिविल सर्वेंट बनना चाहता था वो लंदन जाने के लिए फ्लाइट के टिकट्स और बाकी खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसके अलावा जो तीसरा रेजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में पास हुआ वो ये था कि 3 जगह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और अवध में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए।
तो जैसे कि हमने देखा कि लॉर्ड डफरिन को पहले से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की हर एक एक्टिविटी की खबर रहती थी, वो पहले इन सब चीज़ों को एकदम न्यूट्रल होके देख रहा था। लेकिन जैसे ही ये 9 रेजोल्यूशंस उसके पास पहुँचे, उसका दिमाग ख़राब हो गया। वो बोला कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती ही नहीं है, ये 70-80 लोग पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इनफैक्ट ये खुद लोगों से जुड़े हुए ही नहीं है। लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बताकर रिजेक्ट कर दिया। तो ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन वीडियो की पार्ट 1 वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, काम करने के तरीके और साथ ही फर्स्ट सेशन की डिटेल्स। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम कांग्रेस के सारे सेशंस की इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर करेंगे, और वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जब वो सेशंस हो रहे थे या होने वाले थे तो देश में क्या माहौल था, क्या क्या परिस्थितियाँ चल रही थी, और इससे क्या हुआ कि हमें सारे सेशंस को याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको खुद ही याद रह जाएंगी। बुक्स तवा चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।